नमस्कार, स्वागत है आपका एनवीसीएन न्यूज पर। टॉप 10 के साथ में मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। ओडिशा ट्रेन हादसे के मृतकों का आंकड़ा 288 है। अब तक 205 शवों की शिनाख्त हो गई है, 83 लोगों की शिनाख्त होनी बाकी है। मणिपुर के कुकी समुदाय के 100 से ज्यादा महिलाओं ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के पास प्रदर्शन किया। उन सभी प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने जंतर मंतर की तरफ भेज दिया है और कुछ महिलाओं को अमित शाह से मिलने के लिए अंदर भेज दिया है। कुकी समुदाय की महिलाओं का कहना है कि शांति वार्ता के बावजूद यहां पर एक बच्चे और उसकी मां को मैथिल समुदाय के लोगों ने जला दिया है। केंद्र सरकार पहलवानों के विवाद को अब लंबा खींचने के मूड में नहीं है। खेल मंत्री ने ट्वीट कर पहलवानों को बातचीत का निमंत्रण दिया है। सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारी पहलवान जल्द ही सरकार से बातचीत शुरू करेंगे। इससे पहले शनिवार देर रात तक भी पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस आज से अपने निर्धारित समय से फिर चलेगी। शाम 6:30 बजे के आसपास ओडिशा के बालेश्वर बहनगा से ये गुजरेगी। अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश जारी है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, अध्यादेश के खिलाफ वे समर्थन मांगेंगे। अब तक उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मुलाकात की है। लगातार वे राज्यसभा में समर्थन जुटाने की कोशिश में है। विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। फिल्म की कहानी और दोनों की एक्टिंग फैंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रही है। आलिया भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है जिसमें वो जेंडर इक्वेलिटी पर स्पीच देती नजर आ रही है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान पर होगा। इस मुकाबले के दौरान आगे मौसम का मिजाज क्या होगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, यानी टेस्ट में बादशाह के जंग का आगाज शानदार होने वाला है। बांग्लादेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक पिकअप की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैस से भरी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतरी। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। अधिक खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।